हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट पेड़ा। देख लेते हैं किन चीजों की जरूरत होगी हमें कोकोनट पेड़ा बनाने के लिए। 2.5 कप नारियल बूरा लिया है, 2 टीस्पून देसी घी, 1 कप चीनी लिया है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक कढ़ाई ले लेंगे, नारियल बूरा रखेंगे, गैस को अभी मैंने ऑन नहीं किया है, चीनी 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। नारियल बूरा, चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नारियल का बूरा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स हो चुका है, घी डाल लेंगे। मिक्स करेंगे, घी की जगह पे आप बटर भी यूज कर सकते हैं। गैस ऑन करेंगे, कोकोनट पेड़ा के मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। नारियल बूरा में चीनी मेल्ट होने लग गया है, आप देख सकते हैं। हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। जैसे बर्फी जमाने के लिए हम टेक्सचर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर तैयार करना है हमें। तो इसे और सुखाएंगे भूनते हुए। पेड़ा का मिश्रण गाढ़ा होने लग गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक प्लेट लिया है, इसमें थोड़ा सा मिश्रण डाल लेंगे, ठंडा हो जाने देते हैं इसको, फिर चेक करेंगे। मिश्रण ठंडा हो चुका है, इसके लड्डू बना के देखेंगे ऐसे गोला। अभी ये सही से बंद नहीं रहा है तो थोड़ा सा और पका लेंगे मिश्रण को। पेड़े के मिश्रण को फिर से चेक कर लेंगे, फिर से वही प्रोसेस। प्लेट में थोड़ा सा मिश्रण डाल लेंगे, ठंडा हो जाने देते हैं। तब तक गैस को स्लो कर लेंगे बिल्कुल। मिश्रण चेक कर लेते हैं, इकट्ठा करेंगे, गोल गोल लड्डू की तरह इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये लड्डू की तरह बनने लग गया है अच्छे से। पेड़ा का मिश्रण बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपको पेड़ा का मिश्रण चिपचिपा और लिक्विडी थोड़ा सा लग रहा होगा, पर थोड़ा सा हवा लगने पे ये हार्ड होने लगेगा। तो गैस को ऑफ कर लेते हैं। आधा मिश्रण अलग कर लेंगे, किसी प्लेट में रख लेते हैं। आधा मिश्रण अलग कर लिया है। आधे मिश्रण में मैंने पिंक कलर डाला है, 5 से 6 बूंद। ये ऑप्शनल है, अगर आपको कलरफुल बनाना है तो कलर डालिए, नहीं तो आप व्हाइट ही बना सकते हैं। मिक्स करेंगे कलर। कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे जैसे मिश्रण ठंडा हो रहा है थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। दोनों मिश्रण को मैंने अलग अलग प्लेट में रख लिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। हाथ से बनाना है पेड़ा तो इतना ठंडा हो जाए कि इसको हाथ लगा पाए। पेड़ा का मिश्रण इतना ठंडा हो चुका है कि इसे हाथ में लेके हम पेड़ा बना सकते हैं। एक साइज का बनाने के लिए एक ट्रिक अपनाते हैं हम। एक चम्मच ले लिया ऐसा, चम्मच भर के व्हाइट वाला मिश्रण लिया है, गोल बना लेंगे लड्डू, एक साइड में रख लेंगे। फिर चम्मच भर के इससे पेड़ा एक साइज का बनेगा, एक साइज का बनेगा तो देखने में और सुंदर लगेगा। सेम तरीके से पिंक वाले मिश्रण से भी लड्डू बना के इसी प्लेट में रखते जाएंगे। सफेद वाले मिश्रण से और पिंक वाले मिश्रण से अलग अलग लड्डू बना लिए। आप सोचोगे यार इन्होंने तो कहा था कि पेड़ा बनाना है, ये तो दोनों मिश्रण से अलग अलग लड्डू बना दिया। पेड़ा ही बनाएंगे, आप आगे देखते रहिए। व्हाइट वाला एक मिश्रण लेंगे, एक पिंक वाला, दोनों को ऐसे ऐड करेंगे। हल्का से हाथों से गोल गोल घुमा लेंगे। बन गया हमारा कोकोनट पेड़ा। आप देख रहे हैं कितना तो सुंदर लग रहा है ना ये दो कलर में। बाकी गोलों से सेम प्रोसेस अपनाएंगे।
एक व्हाइट एक पिंक गोला लेंगे। कई बार क्या होता है मिश्रण में फर्क भी आ जाता है, ज्यादा सूखने पे ठंडा होने पे ये हार्ड होने लगता है तो पेड़ा नहीं बन पाएगा। तो इस हालात में आप दोबारा से कढ़ाई में रख के मिश्रण को गर्म कर सकते हैं, या ज्यादा लिक्विड चिपचिपा सा लगे तब भी आप कढ़ाई में रख के थोड़ा सा सुखा सकते हैं गर्म करके इसको। ऐसे ही करते हुए सारे कोकोनट पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़ा तैयार कर लिया है, ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे। यहाँ पे बारीक कटा हुआ पिस्ता लिया है, आप अपने पसंद के अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर सकते हैं। आप इसे बिना फ्रिज में रखे हुए 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ड्राई हो जाएगा, ये अभी थोड़ा सा चिपचिपा दिख रहा है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। हमारा कोकोनट पेड़ा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस राखी पे आप भी अपने भाइयों के लिए इस तरह से कोकोनट पेड़ा बनाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।